जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NTA AICTE नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड 2023 एंड जो आपकी एग्जाम सिटी आई है उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर गाइज आपकी पहले एग्जाम सिटी आती है और फिर उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है। एंड आपको यहाँ पर ये प्रोसेस और लिंक तो दिया ही जाएगा कि कैसे आप अपनी एग्जाम सिटी एंड अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से आपकी एग्जाम सिटी या फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं, अपनी एग्जाम सिटी चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ही जान लीजिए कि कैसे आप खुद से अपना एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पर जान लीजिए कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये 46 पद पर आई थी और इसमें नॉन टीचिंग की पोस्ट थी जो कि अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट DEO और LDC, इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे और आपको एग्जाम डेट नोटिस PDF के ऊपर क्लिक करके अगर आप इसका नोटिस देखना चाहते हैं तो यहां से आप इसको नोटिस को भी रीड कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो यहां पर गाइज़ यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आपका 1 और 2 अगस्त 2023 है। इसी के साथ गाइज़ अब आपको यहाँ पर AICTE नॉन टीचिंग एग्जाम सिटी इंटीमेशन एंड एडमिट का डाउनलोड लिंक ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और ये सिक्योरिटी पिन डाल करके सबमिट करेंगे। अब अगर आपका सवाल ये है कि सर मैं अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुका हूँ तो मैं क्या करूँ, तो गाइज़ आपको आपकी ईमेल या फिर नंबर चेक करना है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाता है। तो आपके पास एक वही विकल्प है आपके एप्लीकेशन नंबर को प्राप्त करने का, क्योंकि वेबसाइट पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया नंबर को फॉरगोट करने का। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था, आपका नेम आपको देखने को मिलेगा, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा डेट ऑफ एग्जाम क्या है और आपकी सिटी ऑफ एग्जाम क्या है। मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट है उसके 2 से 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आप अलग से डाउनलोड करेंगे, उसका भी लिंक आपको जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पर दे दिया जाएगा। उस लिंक का इस्तेमाल करके सेम वे में आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड में आप डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे। तो अभी के लिए आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ चुकी है, आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए जहाँ पर आपको स्टे करना है और जहाँ पर आपको जाना है। सो इस तरह से आप अपनी एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट एंड देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से अपनी एग्जाम सिटी या फिर एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, इसके लिए गाइज जो मैंने आपको ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप यहां पर लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आप आपका नेम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको आपके एडमिट कार्ड का PDF या फिर आपके एग्जाम डेट सिटी का स्क्रीनशॉट सेंड किया जाएगा। और इसके बाद गाइज आप यहां पर मैसेज में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, साथ ही आपको AICTE एडमिट कार्ड 2023 लिखना है। उससे मुझे पता चलेगा कि ये कौन सी पोस्ट का या फिर कौन सी डिपार्टमेंट का आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इसलिए आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ में AICTE एडमिट कार्ड 2023 लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा या आपकी एग्जाम सिटी चेक की जाएगी और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा रहने वाली है। सो यही थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।